वैसे जो आप लोग थीम देख रहे हैं, कैलिफोर्निया का डिज्नीलैंड बनाया जा रहा है, जो कि कार्टून का कैरेक्टर हम लोग टेलीविज़न में देखते आए हैं। ठीक इंटीरियर का जो डिज़ाइन है, सारा कार्टून का जो कैरेक्टर है डिज्नीलैंड का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए चलो। लेकिन हम लोगों का जो डिज्नीलैंड है थोड़ा अलग तरह का होगा। कोशिश है अगले दिन 11 तारीख को हम लोग उद्बोधन करेंगे कि इस बार का विसर्जन का क्या कोई खास प्लानिंग रहने वाला है, कुछ खास देखना है। हम लोग पूजा के साथ साथ पिछले बार भी अच्छा विसर्जन किए थे, 16 तारीख को विसर्जन है, तो कोशिश करेंगे कुछ अच्छा कुछ करके। जैसे क्या आप लोग तैयार है कैलिफोर्निया घूमने के लिए? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नहटी काली पूजा उत्सव आप लोगों को दिखा रहा हूं, लेकिन कैलिफोर्निया क्यों नाम ले रहा हूं? तो बता दूं आप लोगों को, पीछे जो आप लोग थीम देख रहे हैं, कैलिफोर्निया का डिज्नीलैंड बनाया जा रहा है। किसके तरफ से बनाया जा रहा है? तो नहटी रेलवे हॉकर्स यूनियन के तरफ से इस बार 2023 काली पूजा का जो थीम है वो है कैलिफोर्निया का डिज्नीलैंड। तो चलिए कैलिफोर्निया का डिज्नीलैंड कितना दूर तक बनकर कंप्लीट हुआ है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, ओपनिंग क्या रहेगा, और साथ ही साथ जो INTTUC के सभापति है विष्णु अधिकारी जी, उनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बहुत कुछ इस पूजा के संबंध में जानने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और कैसे क्या प्रस्तुति हो रहा है, चलिए इस पूजा प्रांगण में चलते हैं, देखते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो डिज्नीलैंड का जो बाहर का फ्रंट लुक था कितना दूर बनकर कंप्लीट हुआ है आप लोगों को दिखा दिया हूँ। चलते हैं अब डिज्नीलैंड के अंदर का इंटीरियर किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, क्या लुक रहने वाला है, वो चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को बता दूँ डिज्नीलैंड जो कि कार्टून का कैरेक्टर हम लोग टेलीविज़न में देखते आए हैं, ठीक इंटीरियर का जो डिज़ाइन है, सारा कार्टून का जो कैरेक्टर है डिज्नीलैंड का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और किस तरीके से अंदर का जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट लगभग हो ही चुका है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले आप लोगों को बता दूं, आज का इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उनका नाम है विष्णु अधिकारी सर जी, और INTTUC के ये प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और इस बार का काली पूजा का प्लानिंग क्या है उन्हीं के मुंह जवानी हम लोग सुनते हैं। तो सर, सबसे पहले दर्शकों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? सभी को मेरा नमस्कार, सभी को शुभ पूजा, और सामने जेहू तो सामने जैसे काली पूजा है, काली पूजा के लिए सभी को लिए शुभेच्छा आपकी चैनल से माध्यम से। देखिए हम लोग हर बार नहटी में काली पूजा जाना जाता है, कलकत्ता में जैसे दुर्गा पूजा ख़त्म होता है उसके बाद ही नहटी में काली पूजा का एक माहौल बन जाता है। हम लोग बोलते हैं कलकत्ता का टाइम गया अभी नहटी, तो नहटी में आप लोग सभी को मालूम है आपके चैनल से माध्यम से, सभी को यही बोलना चाहूँगा जो इस बार जैसे नहटी के माटी को वंदे मातरम के स्रष्टा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए जाना जाता है, उसी तरह सभी के लिए श्रोता, सभी के लिए एक ठो आवेग, सभी को एक माने बड़ो माँ के रूप में, बड़ो माँ को जैसे माना जाता है जाना जाता है, इस बार बड़ो माँ का जब मंदिर है वो 100 साल के पूजा के उम्र हो रहा है, तो 100 साल का खूब धूमधाम से पूरा नहटी में मनाया जाएगा। और बड़ो माँ का जैसे माने जो बोलते हैं भक्ति लोग भक्त है, वो सिर्फ नहटी में नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, सारा दुनिया भर में है। तो इस बार सारा सब जगह अगर आदमी लोग जैसे बड़ो माँ को पूजा देखने आएंगे 100 साल, ठीक उसी के तारा में नोहटी का काली पूजा भी देखते हैं। नोहटी काली पूजा में नोहटी तृणमूल ट्रेड यूनियन हॉकर यूनियन का हर साल कोशिश रहता है जैसे नोहटी के काली पूजा जो भी आदमी लोग बाहर से आता है उसको अच्छे से अच्छे तरह
कोई अच्छे चीज प्रेजेंट करने के लिए। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों का इस बार का थीम है डिज्नीलैंड। देखिए आप लोग हर जगह में आप लोग सोचेंगे, बहुत सारे आदमी लोग हम देख भी रहे हैं, मैसेज कर रहा है, हर जगह लिख रहा है, मैंने कहीं कहीं बोल रहा है, जैसे श्रीभूमि में जैसे हुआ है वैसे ही लगे। लेकिन हम लोगों का जो डिज्नीलैंड है थोड़ा अलग तरह का होगा, बच्चे को खूब भाव लगेगा, मैंने एक नया तौर से खूब अच्छे माहौल में खूब अच्छा साउंड लाइटिंग का भी सिस्टम रहेगा, मतलब एक अलग अनुभूति होगा। और हम बोलेंगे माने जो बड़ा से बड़ा पूजा है इस बार नहटी का हकार उन्नयन का पूजा सबसे बड़ा होगा, ऐसे ही कोई धूमधाम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा, ओपनिंग कब होगा, किस दिन होगा, कितना बजे होगा? देखिए ओपनिंग के लिए अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन ओपनिंग के लिए हम लोग जानते हो एक तो एक दल का माने राजनीतिक दल का पूजा है, जैसे हम लोग सभी को माने नहटी के बाहर का आदमी भी प्रिय पात्र वर्तमान सेच मंत्री पार्थोमिक महोदय जी, उसका टाइम कब होगा उसके ऊपर हम लोग डिपेंड है। हम लोग का इच्छा है पूजा से एक दिन पहले 11 तारीख को हम लोग के पूजा उद्बोधन किया जाए, लेकिन हम लोग अपने राजनीतिक नेता से उसके टाइम के मुताबिक ही हम लोग फाइनल बोल पाएंगे, लेकिन कोशिश है अगले दिन 11 तारीख को हम लोग उद्बोधन करेंगे। पूजा जितना दिन रहेगा कोई स्पेशल प्रोग्राम फंक्शन सांस्कृतिक अनुष्ठान? देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कोई स्पेशल प्रोग्राम फंक्शन व सांस्कृतिक प्रोग्राम, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। ये कर नहीं पाने का एक दूसरा कारण है, हम लोग के यहाँ पर इतना आदमी उभर जाता है, इतना आदमी पैंडल देखने आता है, माँ को देखने आता है, जो रास्ता जो जनोश्लावन हो जाता है उसी में हम लोग का ध्यान पूरा जाता है, जो किसी को असुविधा ना हो माँ को देखने के लिए, किसी को रास्ता में कोई असुविधा ना हो, पैंडल में इतना भीड़ भड़ाक्का में कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसी में पूरा टाइम चला जाता है। प्रोग्राम के लिए उतना खाली जगह ही नहीं रहता है, लेकिन हम लोग तब भी कोशिश करते हैं नोहटी के जो सब विशिष्ट आदमी है सभी को जो कृति छात्रों छात्री है कुछ एक उद्बोधन के दिन में हम लोग एक प्रोग्राम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो 2023 दीपावली और काली पूजा को लेकर सारे दर्शनार्थियों को क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं? एक ही शुभेच्छा है, माँ सभी को घर में सुख और शांति लाए, सभी को हम लोग एक साथ में रहना है, माँ के पूजा के टाइम आराधना के टाइम किसी के अंदर किसी को लिए कोई प्रॉब्लम है बा मन मिटा हुए तो माँ के पूजा के टाइम सब मन मिटाओ मिटा के सभी लोग सुस्त रहे भले रहे। रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस? रूल्स रेगुलेशन हम लोग हर बार जैसे कमिटी बोल देते हैं, हम लोग का लाइन रहता है, हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम यही बोलना चाहेंगे जो हो सकता है बहुत भीड़ भाड़ के लिए आपको माँ को देखने व पेंडल को देखने तो समय लग रहा है, लेकिन हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी में किसी को गिर बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग का वॉलेंटियर कोई भी प्रॉब्लम होगा सभी को यही अनुरोध है वॉलेंटियर के साथ बात कीजिए। और हम लोग पूजा मंडप के सामने एक ठो मेडिकल स्टोर भी लग रहा है, मेडिकल सिस्टम है, कोई का अगर गिर भीर जाए तो कुछ हो तो इस सुविधा के भी हम लोग एक कैंप लगाने के लिए चिंता भावना है, कैंप तो लगेगा, यही कोशिश है। लास्ट प्रश्न सर से यही रहेगा कि पूरे पश्चिम बंगाल के जनता को दर्शनार्थी को माँ दुर्गा का इंतजार रहता है, और जैसे ही माँ दुर्गा विसर्जित होती है वैसे ही नहटी और बारासात काली पूजा को लेकर कंपटीशन हम लोग बोल सकते हैं चालू हो जाता है। तो जिस दिन से मैं प्रस्तुति दिखा रहा हूँ उसी दिन से बहुत सारा कमेंट आ रहा है दर्शनार्थियों का कि नहटी काली पूजा को तो लेकर वो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विसर्जन को भी लेकर वो लोग इंतजार करते हैं और विसर्जन का भी अपडेट वो लोग मांग रहे हैं। तो ये तो एक सस्पेंस रहता है, फिर भी मैं सर से पूछूंगा कि इस बार का विसर्जन का क्या कोई खास प्लानिंग रहने वाला है, कुछ खास देखना है? हम लोग पूजा के साथ साथ पिछले बार भी अच्छा विसर्जन किए थे, 16 तारीख को विसर्जन है, तो कोशिश करेंगे कुछ अच्छा कुछ करके, जैसे फोक डांस रहता है, अच्छा लाइटिंग रहता है, बाहर से हम लोग लाइटिंग भी बाहर से लाते हैं, उसी तरह पिछले बार जैसे राजस्थानी डांस था ऐसे कुछ ड्रामा अनोखी चीज था, एक कोशिश करेंगे कुछ नया लाने के लिए। तो चलिए सारा सस्पेंस जो था आप लोगों के पास रख दिया हूँ, कुछ चमकदार धमकदार पूजा में पूरा दिखने वाला है और विसर्जन में भी दिखने वाला है। तो ठीक इसी तरह नहटी सिटी में एक से एक बढ़ चढ़ कर बहुत ऐसे पूजा मंडप बनाए जा रहे हैं जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। आज के लिए आप लोगों का साथ इतना तक, लेकिन सफ़र खत्म नहीं होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पूजा मंडप के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।